हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिजिक्स फेम चैनल पर। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बोर्ड क्लास में, ठीक है। कंपटीशन में भी पूछा जाता है, जब आपके प्रैक्टिकल होते हैं, बोर्ड के फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, उसमें भी कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पुटअप कर लेते हैं कि वाई डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बच्चे इसका आंसर दे देते हैं, लेकिन इसे बहुत बार आपने पढ़ा होगा, समझा भी होगा, लेकिन इसे समझने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या। अगर आप उसे समझ जाएंगे तो इसका आंसर भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। लेकिन अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तो सिर्फ एक फिगर बना दी मैंने, लेकिन ये है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो रास्ता है, वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर टेस्ट चार्ज या तो अट्रैक्ट होगा किसी दूसरे चार्ज से, या फिर उससे रिपेल होगा। और ये जो रास्ता है, ये सीधा भी हो सकता है, और ये रास्ता आपका कर्व भी हो सकता है। इट मे बी स्ट्रेट और कर्व, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो क्या होगा, क्यों नहीं कर सकती। तो देखिए, अगर मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ली, आपकी कर्व वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ली है, ठीक है, उसके बाद में मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, मैं एरो दिखा देता हूँ पहले, और इस पर तीन पॉइंट लेता हूँ मैं, ये ए, ये बी और ये सी, यानी कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और एक पॉइंट ये सी है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो बच्चों ये मे एंड मे नॉट बी है, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप इस ये कर्व वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेते हैं, तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके टेंजेंशियली होगी, यानी कि बिल्कुल स्पर्श रेखा में होगी, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो। जो बच्चे यूपी बोर्ड से देख रहे हैं वो जानते हैं स्पर्श रेखा को, ठीक है। तो ये टेंजेंशियली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी टेंजेंशियली, इस पर सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी टेंजेंशियली। और अगर मैं इस पॉइंट पर देखता हूँ, तो इस पॉइंट पर मुझे ए पर डायरेक्शन यही मिलेगी, इसके अलावा मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। बी पॉइंट पर यही मिलेगी, नहीं मिलेगी इसके अलावा और कोई डायरेक्शन। सी पॉइंट पर भी यही मिलेगी, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर कोई भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे दी जाए और उस पर आपको पॉइंट दे दिया जाए, तो आपको क्या ड्रॉ करना होगा, आपको उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। और जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तब हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। अब पहुंचते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, अपने सवाल पर। तो सवाल ये है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ड्रॉ कर ली हैं, और दोनों मैंने कर्व ले ली हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक ये है, दोनों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। तो अब जब हम इस क्रॉसिंग पॉइंट पर जाएंगे जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप, टू कर्व है, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। अगर मैं चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वाले पॉइंट पर इस कर्व के अकॉर्डिंग इधर मिल रही है, और इस वाले कर्व के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे ये मिल रही है। यानी कि अगर मैं ये मानता हूँ कि ये E1 है और ये आपका E2 है, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो गई, दो हो गई। लेकिन कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एक ही तो पॉइंट है, क्रॉसिंग पॉइंट जा रहा है, और इस क्रॉसिंग पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है इस क्रॉसिंग पॉइंट पर। तो इससे हमें ये पता लगता है, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसके किसी भी पॉइंट पर, किसी भी डिफरेंट पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक डायरेक्शन होगी, और वो अलग अलग होगी अगर कर्व है, और अगर स्ट्रेट है तो एक ही डायरेक्शन होगी, लेकिन एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही पॉइंट पर हमें, क्रॉसिंग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें दो डायरेक्शन मिल रही है, एक इधर और एक इधर, और ये हमारे रूल को ब्रेक कर रही है चीज़। इस वजह से हम कहते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपको डिसकंटिन्यूअस कर्व में नहीं मिलेंगी, क्यों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपको डिसकंटिन्यूअस कर्व में नहीं मिलेंगी। जैसे माना ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ली, तो ये कर्व जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंटिन्यूअस कर्व है, ये कभी भी ऐसे ब्रेक नहीं मिलेगा, ना यहाँ से ब्रेक होगा, ना यहाँ से कहीं से भी ब्रेक नहीं होगा,
ठीक है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम इसे डिसकंटिन्यूअस कर्व कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी डिसकंटिन्यूअस कर्व यानी कि ब्रेक नहीं होता है उनका कर्व, ऐसा क्यों है कमेंट में आप मुझे बताइए। और अगर आप मुझसे कहेंगे कमेंट में बताएंगे तो इसके लिए फिर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगैन।